अस्सलाम वालेकुम मेरे हीरा फैमिली के लोग, कैसे हैं आप लोग? मेरे बच्चे लोग, बड़े छोटे, सबको सफिया शेख की जानिब से सलाम अर्ज़ करती हूँ। क्या बात है, आजकल मौलाना लोग की एकदम निकल पड़ी, एक से एक फितने आ रहे मौलाना बनके, मौलाना के नाम ख़राब कर रहे अभी लोग, मौलाना बनके आ रहे। अभी शैतान को अभी किधर से भी इसका दाल नहीं गली, शैतान ने हर तरफ से आजमाया, जीत अपने हक में नज़र आ रही। तो अभी वो एक मौलाना को लाया, उसने पहला अपने फेवर में बात किया, फिर शहबाज के साथ में मिल के बात किया, ऐसे हम दोगले मौलाना लोग को क्या समझे। हाँ, अभी उसने क्या करा, हर जगह सेल्समैन छोड़ा, एफ आई आर करो। अब मालेगांव में भी किसी को छोड़ा है, एफ आई आर करो करके चिल्ला रहा, ऐसा रोड के ऊपर नहीं क्या सब चिल्लाते रहते व्यापारी लोग, तो वैसा इसने व्यापारी लोग को छोड़ा, सेल्समैन ने, उन लोग सेल्समैन है, FIR करो तो कोई FIR नहीं करेगा, इन लोग का सेल्समैन कितने भी लगा तो शैतान। हाँ, और बोले मैक्सी पकड़ के भागेंगी, ये पकड़ के कौन भागेगा, अरे देख तेरी जोरू भागेंगी। अगर हम औरतों लोग को टारगेट करेंगे ना, तेरे को भी तेरे औरत लोग का जवाब मिल जाएगा, तेरे औरत के ऊपर, समझा। इंशाल्लाह नवेरा पर हक पे है और हक पे थे और हक पे रहेंगे। तुम लोग के हाथ से प्रॉपर्टी रेत के जैसा निकल जा रही है, रेत कैसी निकलती हाथ में से, वैसी प्रॉपर्टी निकल जा रही है। तो ज़्यादा तुम लोगों ने सेल्समैन छोड़ दिए कि जाओ जितना हो सके उतना FIR कराओ, मगर FIR नहीं हो रहे। सब जो FIR कर रहे वो लोग भी परेशान हैं अभी कि हमको तो पैसा मिला नहीं, उल्टा हमारे और जाने आने में हमारी तकलीफ हो रही हमको। हाँ, तो वापस को FIR करा के और अपने हाथ काट के लेंगे। हाँ, अभी एक मौलाना लोग को पकड़ के फतवे देने लगा रहा, फितनागिरी करके फतवे निकाल रहा। हाँ, अब मौलाना लोग जाएंगे तो फिर बाद में फिर वो डुप्लीकेट मौलाना लोग को लेके आएगा, दाढ़ी मुच्छी नकली लगा के, अरब का जुबा पिला के। हाँ, क्यों भाई ये खेल कर रहा, बंद कर ये खेल, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। हाँ, कोई कितना भी कुछ पटको, कितना भी तवे के ऊपर बैठो, गर्म तवे पे सुप्रीम कोर्ट अपना जो फैसला सुनाने का वही सुनाएंगे, तेरे मेरे बोलने से, लोगों के बोलने से सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं सुनाने वाली है, समझा। शैतान ये झिंगूर को छोड़ा, शैतान को छोड़ा, फिर वो हैदराबाद में जो टकले बिकले सब बैठते हैं ना चश्मीस भी, उसमें दलाल लोग सब दलाली करते मालूम है। हाँ, कुछ बम्बई में छोड़ा तूने, ये झिंगूर तो एक नंबर का शैतान है, जो मस्जिद को नहीं छोड़ा, जो मदरसे को नहीं छोड़ा, वो काय का मुसलमान, लाना थे ऐसे मुसलमान पे। हाँ, एक कुफ्फार भी रहेगा तो वो एहतराम करता मस्जिद का, मदरसों का, दरगाहों का, वो तो कुफ्फार से भी बदतर है वो, समझा। तो कितने भी मौलाना लोग कुला ऑडियो वीडियो बना, कुछ फ़ायदा नहीं है, शैतान, समझा। और औरतों लोग के ऊपर है ना नज़र रखना छोड़ दे, अपना काम से काम करना। आदमी लोग भी कैसा इसकी बातों पे आ जाते उठे छूटे। हाँ, मौलाना लोग तो मालूम औरतों की इज्जत करते, एहतराम करते औरतों का, पहले बोलते कुरान हदीस में औरतों की इज्जत करना सीखो, लोग औरतों को पैर की जूती समझते थे, गुनाह है बोलते, उन लोग खुद चाहते कि औरत बोले जन्नत है, बोले जन्नत ही औरत से जन्नत बनती है बोले। हाँ, लेकिन ये फितने लोग ऐसे मौलाना होते जो औरत की इज्जत नहीं करते। एक औरत, एक आलिमा 2 साल से जेल में है, उसके बारे में समझाने के बदले का और उन लोग का साथ दे रहे हैं, कहे मौलाना ये सब। मौलाना के ऊपर है ना, मौलाना जात के ऊपर से भरोसा हट जाएगा, दूसरे अच्छे मौलाना भी बदनाम हो जाएंगे, समझे क्या। बहुत फितनेगिरी हो गई, फितनेगिरी लड़ाई। अभी दुआ करो नवेरापा बाहर आ जावे, समझे, सब इन्वेस्टर मिलते, पूरा हीरा फैमिली मिलते, दुआ करो। हाँ, हक की जीत होगी और बातिल का मुकाला होगा इंशाल्लाह। चलो, अल्लाह हाफिज़।